बीते दिन जो घटित हुआ वो आज की हेडलाइन है। जी हाँ, पाकिस्तान ने दो भारतीय अफसरों को 10 घंटे रखा हिरासत में। जिस तरीके से ये बीते दिन जो खबर आई थी उस खबर को लेकर कुछ कार्रवाई की गई है, जो आज की हेडलाइन भी बनी है। वहीं अगर दूसरी सबसे बड़ी खबर की बात की जाए, हम दैनिक भास्कर की बात कर लेते हैं, क्योंकि दैनिक भास्कर की अगर सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो ये पहली खबर, चीन का पीठ पर वार, 20 शहीद। पीछे हटने की आड़ में चीनी सैनिकों ने भारतीय फौज पर रॉड पत्थरों से हमला किया। भारत के सरकारी सूत्रों ने कहा कि 43 चीनी सैनिक मारे गए या घायल हैं। चीन ने संख्या पर चुप्पी साधी। तो चीनी सैनिक जो 43 सैनिक हैं उनके हताहत होने की सूचना तो आई है, लेकिन चीन ने अभी चुप्पी साध रखी है। किसी भी तरीके की कोई खबर सामने नहीं आई है। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि किस तरीके से ये बीते दिन जो घटना घटित हुई है, जो लड़ाई हुई है, जंग हुई है चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों में, 20 जवान शहीद हुए हैं और साथ ही साथ 43 जो चीनी जवान हैं उनके हताहत होने की खबर भी है, लेकिन अभी तक चीन की तरफ से इसकी कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। रात 12 बजे तक सैनिक एक दूसरे का पीछा कर पीटते रहे। तो आपको बता दें किस तरीके से ये बीते दिन जो घटना हुई है, जो लड़ाई हुई है। गलवान घाटी में तैनात एक वरिष्ठ अफसर ने भास्कर को आंखों देखा हाल बताया। उन्होंने कहा कि गलवान घाटी में सोमवार शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक हिंसा हुई। 6 जून को सहमति बनी थी कि चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र से पीछे हटेंगे। उन्हें पोस्ट वन पर जाना था। लग रहा था कि चीनी सैनिक समझौते का पालन कर रहे हैं। और हमने अभी आपको बताया था, पिछले दिनों जो खबरें आ रही थी उसके अनुसार हमने आपको बताया था कि चीनी सैनिक पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं और हालात LAC पर सही दिख रहे हैं, शांति दिख रही है। लेकिन अचानक ये जो तनातनी बढ़ी है, पिछले दिन 20 सैनिकों की जान लेकर गई है। चीन ने LAC की स्थिति बदलने की कोशिश की। विदेश मंत्रालय का साफ कहना कि चीन ने LAC की स्थिति को बदलने की कोशिश की है। भारत ने हिंसक टकराव के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीनी पक्ष ने एक तरफा ढंग से LAC की स्थिति बदलने की कोशिश की। चीन सैनिकों ने उच्च स्तरीय सहमति का पालन किया होता तो ये घटना नहीं होती, जिसमें आज भारतीय सैनिकों की जान गई है, 20 भारतीय सैनिकों की जान गई है, जिसमें 43 चीनी सैनिक भी हताहत हुए हैं। भारत के अनुसार उन चीनी सैनिकों की मौत हो चुकी है, लेकिन चीन की तरफ से अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि चीन की तरफ से अभी कोई भी पुष्टि नहीं की गई, आगे देखने वाली बात होगी किस तरीके से आगे खबरें सामने आती हैं। वहीं अब अगली खबर की बात करें तो पाकिस्तान भारतीय उच्चायोग के दोनों कर्मचारियों से मारपीट, पाक राजनयिक को तलब किया। तो जिस तरीके से हमने अभी आपको अमर उजाला की पहली खबर के बारे में बताया था, तो वो खबर ये ही थी कि जो भारतीय नागरिक थे पाकिस्तान में, उनको लेकर जो 10 घंटे उनको हिरासत में रखा गया, उसके बाद उनको रिहा कर दिया गया जब भारत ने सख्ती दिखाई। अब उसी की अपडेटेड खबर आपको बताएं दैनिक भास्कर के अनुसार, तो दोनों कर्मचारियों का खुलासा, अपहरण के बाद बदसलूकी की हदें भी पार की गई थी। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के जिन कर्मचारियों को भारत की कड़ी नाराजगी के बाद दिन भर हिरासत में रखने के बाद छोड़ा गया, उनसे बदसलूकी की हदें पार हो गई। भारत में विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को पाकिस्तानी उच्चायोग के प्रभारी हैदर शाह को तलब किया। इस घटना पर कड़ी नाराजगी भी जताई है उन्होंने, तो दूसरे कर्मचारियों से भी बदसलूकी की धमकी दी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि ये करने के लिए मजबूर किया गया। भारतीय उच्चायोग में खुफिया अधिकारी उन्हें बाहर से लोगों को कार में बैठा कर लाने को कहते हैं ताकि उच्चायोग में उनसे बैठक की जा सके। दोनों से सोमवार दोपहर 2 बजे तक पूछताछ की गई। इस दौरान उन्हें कई बार रॉड और डंडों से पीटा गया, भूसे भी मारे गए और गंदा पानी पीने को मजबूर किया। दोनों को ये भी धमकी दी गई कि भविष्य में उच्चायोग के दूसरे लोगों के साथ भी ऐसी बदसलूकी की जाएगी। तो बीते दिन जो हमने आपको खबर बताई थी उसमें ये था कि ये उच्चायोग के जो दो लोग थे भारतीय कर्मचारी, जिनको 10 घंटे अपने साथ हिरासत में रखा और
उनको जब रिहा किया गया तो उनके शरीर पर चोटों के निशान पाए गए थे। और आज जो खुलासा हुआ है, तो जब हिरासत में उन्हें रखा गया तो उनके साथ बदसलूकी की गई, उनके साथ मारपीट भी की गई, जिसके बाद अब इन दो कर्मचारियों ने इस चीज़ का खुलासा किया है। और भारतीय उच्चायोग ने दोनों कर्मचारियों की जो मारपीट की है, इसको लेकर पाक राजनयिक को तलब भी किया है, नाराजगी जताई है। अगली खबर की अगर बात कर लेंगे अब, तो एम्स डायरेक्टर बोले कोरोना संकट में हवाई यात्रा सबसे सुरक्षित। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि देश में हवाई यात्रा के दौरान जिस स्तर की सावधानी बरती जा रही है, ये समय परिवहन का सबसे सुरक्षित साधन है। डॉक्टर गुलेरिया मंगलवार को दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के वेबिनार में बोल रहे थे कि उन्होंने कहा कि देश में कोरोना वायरस के संक्रमण का भी पीक नहीं आया है, इसीलिए लोगों को हर प्रकार की सावधानी बरतना चाहिए। बिना लक्षण वाले भी मरीज हो रहे हैं और बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित सहयात्री से खतरे के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसे मरीजों की संख्या 25% हो गई है जिनमें कोई भी लक्षण सामने नहीं आ पा रहा है। आपको बता दें, शुरुआती दौर में जब कहा गया था कि कोरोना के जो मरीज़ हैं उनके लक्षण अलग ही हैं, इसलिए उनको पहचान लिया जाएगा। सर्दी जुकाम, बुखार, पेट दर्द, गले में दर्द, इस तरीके के कुछ लक्षण थे जिनको लेकर कहा गया था कि अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम्स हैं तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। लेकिन आज के समय में 25% ये आंकड़ा हो गया है जिनमें कोई भी लक्षण नहीं पाए जा रहे, यानी कि साइलेंट कैरियर जो कोरोना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, उनमें कोई भी लक्षण नहीं पाए जा रहे। अगली खबर की अगर बात करें तो ऑनलाइन कक्षाओं के लिए तय होगा समय, इस पर गाइडलाइन बना रहा केंद्र। तो ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन बनाई जा रही है ताकि बच्चों को घंटों तक स्क्रीन के सामने ना बैठा रहना पड़े। कोरोना महामारी संकट के कारण स्कूल बंद होने से ऑनलाइन पढ़ाई बढ़ गई है, ऐसे में बच्चों को घंटों तक कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन पर समय नहीं बिताना पड़े और उनकी पढ़ाई भी होती रहे, इसे ध्यान में रखकर केंद्र सरकार दिशा निर्देश बनाने पर काम कर रही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस पर काम कर रहा है, इसमें छात्रों को डिजिटल कक्षाओं के लिए घंटों तक कंप्यूटर, लैपटॉप या प्रोजेक्टर, मोबाइल इसके सामने समय नहीं बिताना पड़ेगा। कई उपाय शामिल किए जाएंगे इसमें। ये भी ध्यान में रखा जाएगा कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया चलती रहे। मंत्रालय उन छात्रों की समस्याओं पर भी गौर कर रहा है जिनके पास कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन नहीं है और जिनकी क्लासेस भी कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि अभी जो वक्त है स्कूल्स कॉलेज खोलने का तो नहीं है, क्योंकि अगर स्कूल कॉलेजेस खोल दिए जाते हैं तो बच्चे स्कूल जाएंगे और ये कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी भी होगी, क्योंकि स्कूल्स जब खुलेंगे तो बच्चों को बुलाया भी जाएगा पढ़ाई के लिए, लेकिन बच्चे अगर घर से बाहर निकलेंगे तो ये सबसे बड़ा खतरा उनके लिए साबित हो सकता है, क्योंकि आज के समय में सख्त हिदायत दी गई है कि बच्चे और 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग घर से ना ही निकले, तब ही अच्छा है। अगली खबर की अगर बात कर ले तो जम्मू कश्मीर शोपियां में मुठभेड़, पीडीपी नेता का रिश्तेदार सहित 3 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकी मार गिराए गए। मुठभेड़ शोपियां के तुर्कवंगम इलाके में मंगलवार सुबह को हुई। मारे गए आतंकियों की पहचान हिजबुल मुजाहिदीन के जिला कमांडर जुबैर वानी अल हक इस्लाम के रूप में हुई है। मनास ने जनवरी 2019 में आतंकी समूह में शामिल होने की घोषणा की थी, जिसके बाद अब ये जो क्रियाएं किए जा रही थी उन आतंकियों की तरफ से, अब ये 3 आतंकी मारे गए हैं मुठभेड़ में। अगली खबर की अगर बात करें तो लद्दाख की घटना अस्वीकार्य है, दलों और देश को विश्वास मिले सरकार। कांग्रेस का कहना, कांग्रेस ने गलवान घाटी में भारतीय कर्नल और 2 जवानों की शहादत को अस्वीकार जो कहा है कि हम इसको स्वीकार्य नहीं करेंगे, और साथ ही साथ कहा है पार्टी ने कि सरकार से आग्रह करते हैं हम इस मामले पर देश को विश्वास में लिया जाए, सभी राजनीतिक दलों को ज़मीनी हालात की जानकारी दी जाए। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने ट्वीट कर कहा कि ये गंभीर राष्ट्रीय चिंता का विषय है, क्योंकि इसका राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ा है, सरकार तत्काल देश को विश्वास में ले।
और गलवान घाटी में जो घटना घटित हुई उससे पहले 3 जवान शहीद हो चुके थे, 20 जवानों का आंकड़ा सामने आया है जिनकी मौत हो चुकी है, जिसको लेकर देश में इस वक्त शोक का माहौल है, जनता काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट भी आ गया कि कांग्रेस लद्दाख की घटना जो है स्वीकार नहीं करते हैं और सभी दलों को और देश को विश्वास में ले सरकार। तो कांग्रेस का कहना बात कर लेते हैं। अब हम अगले पेज की खबर की अगर बात करें तो अगले पेज पर पहली खबर, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में होटलों में 3500 बेड तैयार होंगे। सूर्या होटल में कोरोना मरीजों के लिए 250 बेड होंगे उपलब्ध। हाईकोर्ट के आदेश के बाद तैयारी शुरू। स्टेडियम बैंक्वेट हॉल में भी होंगे बेड्स। तो आपको बता दें कि एक समय था आज से करीब 120 साल पहले, 1918 में लगभग स्पेनिश फ्लू नाम की एक बीमारी आई थी। तब जो हालात देश के थे वो शायद अभी नहीं है, और उस वक्त देश में लगभग 120 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। ये लगभग का एक आंकड़ा है जो अभी के समय में हम लोग देखते हैं, लेकिन ये जो स्पेनिश फ्लू से मौत का आंकड़ा था वो आंकड़ा एक कथित आंकड़ा भी हम कह सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट आंकड़ा अभी तक किसी ने नहीं बताया है। लेकिन आज के समय में अगर बात की जाए तो स्थिति को कंपेयर किया जाए, उस समय इतनी मेडिकल सुविधाएँ नहीं थी, लेकिन आज के समय में जो मेडिकल सुविधाएँ काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं उस समय से, लेकिन फिर बेड्स के लिए जो बेड्स की ज़रूरत पड़ रही है कोरोना मरीज़ों के लिए, उसके लिए हमें स्टेडियम और बैंक्वेट हॉल की भी ज़रूरत पड़ रही है, होटल्स की भी ज़रूरत पड़ रही है। तो सोचिए स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है कि हॉस्पिटल्स में मरीज़ों के लिए जगह नहीं रही है। आंकड़ा किस तरह से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आंकड़ा जिस तरीके से बढ़ रहा है देश में, जो अन्य जगहें थी होटल्स, स्टेडियम और बैंक्वेट हॉल, उनको अब कोरोना हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जा रहा है, वहाँ कोविड बेड्स बनाए जा रहे हैं। तो स्थिति वाकई में काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। स्पेनिश फ्लू की जब मैं बात कर रही हूँ तो उस समय स्थिति कुछ ऐसी ही थी, जब जगह नहीं बची किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में तो खुले में बेड्स लगाए गए थे जहाँ पर मरीज़ों का इलाज भी किया गया, लेकिन आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। आज के समय की अगर बात की जाए, हम कंपेयर नहीं कर रहे इस चीज़ को, लेकिन फिर भी हम अलर्ट ज़रूर कर रहे हैं कि अभी भी हमें सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। वहीं अब अगली खबर की बात करें तो 31 जुलाई तक करीब 80,000 बेड की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा कमेटी का कहना है। दिल्ली में जो आंकड़ा बोला गया था कि 31 जुलाई तक लगभग जो 5.5 लाख मरीज़ों का आंकड़ा है वो बढ़ जाएगा, और अब 31 जुलाई तक करीब 80,000 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस संबंध में दिल्ली सरकार ने 5 डॉक्टरों की कमेटी बनाई थी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 30 जून तक दिल्ली को 15,000 बेड की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि 15 जुलाई तक 33,000 और 31 जुलाई तक 80,000। एक तय आंकड़ा जिसके अनुसार 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की ज़रूरत पड़ने वाली है दिल्ली में। आंकड़ा भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा ये आंकड़ा बढ़ चुका है। अब तक की बात करें तो 3,54,000 से ऊपर ये आंकड़ा जा चुका है संक्रमितों का। हालांकि रिकवरी रेट बढ़ रहा है, लेकिन सोचने वाली बात है कि किस तरीके से हम इस पर काबू पाएंगे, क्योंकि स्थिति हमारे देश की काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। देश को अगर बताएं तो अब तक हमारा देश चौथे नंबर पर था कोरोना केसेस को देखते हुए, लेकिन क्या वाकई में आने वाले समय पर हम कुछ रिकवर कर पाएंगे, क्योंकि इस वक्त छूट तो दे दी गई है सरकार की तरफ से, लेकिन क्या कोरोना को काबू में पाने के लिए कुछ तैयारी की जा रही है, क्योंकि बेड्स का इंतज़ाम ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन क्या इलाज में उतने पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं, ये तो आने वाला आंकड़ा ही बताएगा, क्योंकि आंकड़े के अनुसार हमें पता चलेगा कि सरकार ने इलाज की क्या तैयारियाँ की थी। तो फिलहाल इसी के साथ आज गुड मॉर्निंग भारत में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। काम करते रहते हैं लोग, आज कोई जमा